नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि सौर पैनल लगाने के बाद कुछ इस तरीके से सौर पैनल के स्टैंड को जाम किया जाता है, यानी कि सौर पैनल का जो स्टैंड होता है उसको कुछ इस तरीके से कंक्रीट द्वारा ढलाई करके फिक्स किया जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से स्टेप टू स्टेप दिखाते हैं कि सौर पैनल के स्टैंड को फिक्स करने का सबसे सही तरीका क्या है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो सौर पैनल के स्टैंड को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको कंक्रीट बना लेनी है, और कंक्रीट बनाते समय आपको कंक्रीट का जो रेशियो है 1:3 रखना है। 1:3 का मतलब एक तसला आपका सीमेंट हो गया, 2 तसला आपका रेत हो गया, और 3 तसला आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। तो 1:2 रेशियो का आपको कंक्रीट बनाकर कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेना है। कंक्रीट को बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं सौर पैनल के स्टैंड में कुछ इस तरीके से छोटे छोटे एंगल लगे होते हैं, और इसी एंगल की जड़ में आपको ढलाई करके इसको फिक्स करना होता है। तो जहां पर आपको फिक्स करना है वहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपको पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सूखा सीमेंट डाल देना है, जिससे यहाँ पर कंक्रीट की जो पकड़ हो वो बिल्कुल मजबूत हो। तो आपको सबसे पहले पानी डालना है, और पानी डालने के बाद कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको सूखा सीमेंट बहुत ही अच्छे से डाल देना है। तो सूखा सीमेंट डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ इस तरीके से ईंट की हेल्प से माउल्ड यानी कि खांचा बना लेना है। आप देख सकते हैं कि सौर पैनल का जो एंगल हमें फिक्स करना है उसके चारों तरफ हम कुछ इस तरीके से ईंट लगाकर एक माउल्ड यानी कि एक खांचा बना ले रहे हैं। और माउल्ड बनाते समय आप देख सकते हैं कि आपको मिनिमम 2 ईंट का माउल्ड बनाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले 1 ईंट रखी गई और उसके ऊपर 1 ईंट की लेयर और रखी गई, और 2 लेयर में ईंट को रखने के बाद आप देख सकते हैं कि बीच में काफ़ी स्पेस बन गया। अब इसी बीच में आपको कंक्रीट की फिलिंग करनी है। तो आपने जो सबसे पहले कंक्रीट बनाई थी उस कंक्रीट को लाकर इसी माउल्ड में यानी कि इसी बीच वाले खांचे में फिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कंक्रीट भरी जा रही है। तो इसी तरीके से आपको कंक्रीट भर लेना है, यानी कि एक बार आप कंक्रीट भरेंगे तो कंक्रीट भरने के बाद आपको कुछ इस तरीके से करनी से बहुत ही अच्छे से कुटाई कर देनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करनी से बहुत ही अच्छे से कुटाई की जा रही है। कुटाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ इस तरीके से फिर से कंक्रीट को भरना है, और कंक्रीट भरने के बाद इस कंक्रीट की भी आपको अच्छे से कुटाई कर देनी है, जिससे कंक्रीट अंदर बहुत ही अच्छे से फिल हो जाए, भर जाए। और कंक्रीट अच्छे से भरने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा करनी से फिनिश कर देना है, जिससे दिखने में भी अच्छा दिखे। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सौर पैनल के एंगल को किस तरीके से फिक्स किया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।